नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, चुनाव जो थे वो खत्म हो गए, उनका परिणाम भी आ गया और जिस जिस के हिस्से जो जो आया वो सब आपके सामने है। अब केंद्र में किसकी सरकार बनती है इसका इंतजार है, लेकिन उससे पहले हम चंडीगढ़ सीट की बात करते हैं कि चंडीगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से विजयी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के संजय टंडन जो है यहाँ से हार गए हैं। आज मेरे साथ हैं खुशविंदर सिंह धालीवाल और हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो जीती है, उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, क्या प्रत्याशी उसके पीछे के कारण रहे हैं, क्या उसके पीछे जो मुद्दे हैं यहाँ चंडीगढ़ के वो कारण रहे हैं, या यूं कहें कि इसके पीछे जो प्रत्याशी थे, जो पिछले जो सांसद थे, उनका जो कार्यकाल रहा है, क्या वो मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले खुशविंदर जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार खुशविंदर जी, आप भी जो चुनाव प्रचार था उस दौरान फील्ड में गए होंगे, मैंने भी फील्ड देखी है, तो चंडीगढ़ में यूं लगता था कभी कभी कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल जीत के नज़दीक है, जीत चुकी है लगभग, और अगर कहें तो कहीं ना कहीं बुरे कॉन्फिडेंस में नजर आते थे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि हम जीते हुए हैं। और दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की, कुछ एरियाज में अगर मैं जाता था तो वहां लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुमत ले जाएगी। परिणाम आए और परिणाम के दिन भी देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक संशय बना रहा, क्योंकि जो मार्जिन था बहुत कम वोटों का था। तो क्या लगता है कि जो हार जीत का ये फैसला हुआ है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है, मनीष तिवारी यहाँ से जीते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो थी उसके वो हमेशा दोषारोपण करती रही है कि मनीष तिवारी जो है वो बाहर से आए हैं, प्रत्याशी पैराशूट प्रत्याशी हैं, और इस तरह के बहुत सारी बातें होती रही हैं, और अल्टीमेटली कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्या कारण रहे हैं उसके पीछे कि ये जो हार जीत है इसका फैसला यहाँ के जो जनमत है, यहाँ का लोगों का है, उसकी तरफ से ये हुआ है? देखिए, इसमें दो पार्टियां हैं जो मुख्य रूप से चंडीगढ़ से इस चुनाव का आकर्षण का केंद्र रही हैं। बिल्कुल ठीक है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम एक एक करके बात करते हैं जी। अगर हम कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस के यहाँ से सीट निकालने की वजह, तो सीट जो निकली है यहाँ से वो बड़ी मुश्किल से निकली है। बिल्कुल, मार्जिन बहुत कम रहा है, मार्जिन बहुत कम रहा है। तो ये सीट निकलने की वजह है जो इनका आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ जी। जहां तक मैं फील्ड में रहा हूँ तो नेचुरली जैसे कि हम किसी कक्षा की बात करें तो एक कक्षा में यदि 40 उसमें बच्चे हैं तो किसी को भी ये नहीं होता कि मैं फेल होऊंगा, सभी को ये आशा होती है मैं पास होऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो जिस वार्ड में, जिस जैसा कि आपने कहा कि जिस पार्टी का जिस वार्ड में वर्चस्व था वहां पर ये लगता था कि ये पार्टी जीत जाएगी, लेकिन जो गठबंधन होना इनका कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, ये बहुत बड़ा कारण है इनका जीतने का। तो लगभग एक डेढ़ महीना पहले, जब से चुनाव की जो डेट है वो फिक्स हुई और चंडीगढ़ से सभी जो तीन मेन मुख्य पार्टी, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए और निर्दलियों ने भी अपने चुनाव जो फॉर्म है वो भरने शुरू किए, तो उस समय से मनीष तिवारी जी को टिकट घोषित होते ही एक बगावत सी शुरू होगी। हाँ, कांग्रेस में बहुत बगावत शुरू हुई थी। तो कांग्रेस के जो शीर्ष के नेता थे स्थानीय, वो उसी वक्त सरेंडर कर चुके थे, उनका ये मानना था कि ये जो जीत है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। परंतु जो आम आदमी पार्टी थी, पहले वो दिल्ली में रिपीट होना, फिर पंजाब में एकदम सुपड़ा साफ करना और फिर चंडीगढ़ में पूरा अपना अधिकार के साथ नगर निगम, इलेक्शन तो बहुत बात की बात है, उसके पहले 14-15 सीट जो लाना, तो वो फुल कॉन्फिडेंस में थे। तो इसमें ना एक जो चींटी, या मैं यूं कहूं कि शहद की मक्खी की जैसे काम किया आम आदमी पार्टी के वर्करों ने। तो दूसरी तरफ जब ये सारा प्रकरण चल रहा था तो नेचुरली बात, जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस
दोनों के अपने आईटी सेल होते हैं जो एक दूसरे की कार्यकारिणी पे कार्यक्रम पे सवाल नहीं उठाते सर, उन पर नजर बनाए रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बार मोदी जी आए, दूसरी बार आए, तो तीसरी बार इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस दे डूबा, ये यही समझ के चल रहे थे कि कांग्रेस वालों के तो मन में हार का डर है। और नो डाउट आप पिछली जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस उठाकर देख लो, मनीष तिवारी जी के चेहरे पे टेंशन दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे वो पूरे जोर शोर से काम कर रहे थे। मेरी जितने भी छोटे से लेके बड़े तक आम आदमी पार्टी के वर्कर से बात हुई या नेता से बात हुई, तो सभी ने 200% गारंटी के साथ सीट निकालने का मेरे को विश्वास दिलाया। तो आपके कहने के मुताबिक कि चंडीगढ़ से अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं, जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस जीता है। बिल्कुल सर, इंडी अलायंस जीता है, और इसमें नो डाउट कि HS लक्की का बहुत बड़ा हाथ है, जो प्रधान है यहाँ पे, जो यहाँ प्रदेश प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के। तो जैसे ही टिकट अनाउंस हुई तो बहुत सारी भगदड़ मच गई कांग्रेस में। किसी एक गुट ने जो पवन बंसल जी को लाइक करते हैं, उन्होंने शरेआम बगावत शुरू कर दी, एक एक करके लगभग 600 से ऊपर कार्यकर्ता जिसमें कई बड़े नाम भी थे वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। और लगातार विरोध यही आ रहा था, उसमें से तो मुखर होकर जो बोल रही थी, जो दीपा दुबे जी हैं, वो मुखर होकर बोल रही थी कि HS लक्की को प्रधान के पद से हटाया जाए, हम तभी पूर्ण रूप से कांग्रेस का प्रचार करेंगे या कुछ करेंगे अंदर से, चाहे वो करती रही भी हो। लेकिन उन्होंने तो हमारे स्टूडियो में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से हूं और कांग्रेस की वर्क कर रहूंगी और मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करती रहूंगी। अरे मैं वही, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। अंदर से मैंने कहा चाहे वो प्रचार करती रही हूँ। हाँ, मैंने आपकी बात का जवाब दिया, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। ये मेन मुद्दा था कि HS लक्की को जब तक नहीं हटाते तब तक हम इस्तीफा वापस नहीं लेते, लेकिन HS लक्की को चाहे अपने ऊपर विश्वास था, चाहे वो सांप छछूंदर वाली बात थी, वो अपनी धुन में लगे रहे। और एक तरह से ना ये चंडीगढ़ से बंसल युग का खत्म होना जरूरी भी था, क्योंकि उसके दो कारण है सर। एक तो दो बार बंसल जी पीछे हार चुके थे तो थोड़ा सा एक नेगेटिव संदेश जाता है पब्लिक में, और तीसरा एक उनकी उम्र भी हो चुकी है सर। मेरे ख्याल से जो मनीष तिवारी जी है वो ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं यहाँ से। और अब बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी का जो देखने में आया कि जो संजय टंडन जी है वो और उनका परिवार पहले दिन से मैं देख रहा हूं। मैं यही आने वाला था कि आप एक तरफ कहते हैं कि श्रेय देते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीत का कारण रही है कहीं ना कहीं, या इंडिया अलायंस जो है वो जीत का कारण, पर क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में संजय टंडन की हार का कारण जो यहाँ के सीनियर कैडर है, कुछ ऐसे सीनियर लीडर है जो चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, अगर वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं, उनके कार्यकर्ता भी नजर नहीं आए, तो वो क्या उनकी हार का कारण नहीं हो सकता? मैं वही, आप एक्चुअली जो आपने प्रथम प्रश्न किया ना, जी पहला प्रश्न किया, उसमें चार पांच चीजें थी, मैंने पहले कांग्रेस को पकड़ा था, भी कांग्रेस की जीत का कारण मैंने बता दिया था, अब मैं आ रहा था बीजेपी की हार का कारण। ठीक है, जिस दिन से टिकट अनाउंस हुई थी संजय टंडन जी को, तो मारे खुशी की उनका सारा परिवार, पूरे का पूरा परिवार, क्या बेटे क्या बहुएं, क्या खुद टंडन साहब, क्या उनकी वाइफ प्रिया टंडन जी, वो प्रचार में लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी मेहनत की उन्होंने, जी तोड़ मेहनत की है, अभी एक हफ्ता तक रेस्ट भी करेंगे, इतनी मेहनत की उन्होंने। लेकिन जहां तक निचले स्तर पे आए हम, निचले स्तर पे हमने खुद भी देखा, हमने महसूस किया, कोई इनका पन्ना प्रमुख, कोई इनका जिला सचिव, जिला अध्यक्ष, वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से आकर नहीं बात करते थे। हाँ, एक इनका जिला तो नहीं, वार्ड कहूँगा, वार्ड 34 सेक्टर 45 वाला जो एरिया है वहाँ पे वो पूरे जोश शोर से काम कर रहे थे। तो बल्कि गांव बहलाना में तो सुनने में ये आया कि जो कांग्रेस के सॉरी बीजेपी के जो वहाँ पे उस एरिया के मंडल अधिकारी वगैरह थे वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस को वोटिंग करवा रहे थे। अच्छा जी, अच्छा, उसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना मानना है, कि जो सत्यपाल जैन जी हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन ये आलाकमान का अपना निर्णय होता है कि वो किसको टिकट दी जाए और किसी को ना दी जाए।
तो आपने देखा होगा, अगर आप फील्ड में गए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी होगी या टीवी पर भी अगर देखी होगी, तो उसमें कहीं भी किसी भी जगह पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रैली में आपको सत्यपाल जैन जी नहीं नहीं दिखे। दिखे, बिल्कुल ठीक है, नहीं दिखे। अच्छा, दूसरा ये जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ये ना बड़ी एक इगोस्टिक सी गेम है। एक आदमी को वैसे ही है तो राजनीति, राज करना, अब राजा तो वैसे ही बड़ा घमंडी होता है। तो जो मेरा मानना है कि इस वक्त ऐसे नाजुक मौकों पे सब आदमियों को अपने गिले शिकवे भुला देने चाहिए, बुला देना चाहिए। और सबसे पहले उनको बुलाने चाहिए जो उस वक्त प्रत्याशी है। तो अगर टंडन जी गए भी होंगे, लेकिन हमने मीडिया में कहीं पे भी एक फोटो नहीं देखी, कोई क्लिप नहीं देखा कि टंडन जी जैन साहब के घर गए हैं, उनको बनाया या करना, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि हर जैसे किसी प्रोडक्ट की होती है, जो आम प्रोडक्ट होता है उसकी अपनी मार्केट होती है, कि पंजाब में जैसे कोई चीज़ बिक रही है और साउथ में कोई चीज़ बिक रही है, तो ऐसे हर एक नेता का अपना अपना एक निर्वाचन क्षेत्र तो पूरा होता है, हाँ, लेकिन किसी वार्ड में उसका बड़े होल्ड होता है, उसके चाहने तो वाले कहीं ना बड़े होते कहीं हैं। हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल फूट थी या उनके जो बड़े कुछ नेता थे उनका साथ में ना चलना भी हार का कारण हो सकता है। तो इसमें हम भाजपा की अंतरकलह नहीं कह सकते, क्योंकि जो भाजपा संगठन है, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा करते हुए पहले भी एक बार कहा था, कि भाजपा बड़ी संगठित पार्टी है, तो इसमें तो आंतरिक। क्या, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूं, क्या जो पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ में, क्या उसके प्रति यहाँ के लोगों की नाराजगी ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, मैं एक बड़ी स्पष्ट सी बात करता हूँ आपको, कि जो पिछले दो चुनाव जीते हैं वो मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। नहीं, बात तो इस बार भी कौन सा मुद्दा था भारतीय जनता के पार्टी के पास, इस बार भी तो मोदी के नाम पे ही वोट थी। भाई साहब, मुद्दा तो विपक्ष ने लाना था, भाजपा क्या मुद्दा लेके आती, वो तो सत्ता में है, विपक्ष के नहीं, पास कोई मुद्दा नहीं था। जब भी वोट मांगी जाती है, हाँ जी, जब भी कोई पार्टी कोई कैंडिडेट वोट लेने आता है, तो वो 4 मुद्दों की बात करता है कि आपके ये 4 मुद्दे हैं जिनको मैं सॉल्व करूंगा या जिनको मैं लेके आऊंगा। तो इस बार तो मोदी तीसरी बार की बात ही हो रही थी, तो क्या मतलब इस बार मोदी मैजिक भी नहीं चला? या पिछले 10 साल का जो चंडीगढ़ के जो प्रत्याशी थे, चंडीगढ़ के जो सांसद थे, उनका कार्यकाल जिम्मेवार रहा है इन चीजों के लिए? राजेंद्र जी, अगर मोदी मैजिक की बात करें तो फिर ये राष्ट्रीय स्तर पे बात आ जाती है। नहीं, मैं तो चंडीगढ़ की बात कर रहा हाँ, तो हूं। फिर वो उसमें मोदी मैजिक वाली बात नहीं ना आती। हम, मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में फिर प्रश्न दाग दिया। जो पिछली दो बार था मेरा काम तो वो मिसाइल लेके बैठ के सवाल वो दागना ही है। मोदी मैजिक था। अगर वो मोदी मैजिक ना होता तो किरण खेर जी नहीं जीतती, उसका कारण था। कारण ये था कि बेशक वो चंडीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन वो कोई स्थापित राजनेता नहीं है। वो तो उनको एक आकर्षण के लिए चंडीगढ़ से उनको टिकट दी गई थी। अच्छा, उनके अपने पर्सनल कुछ कारण रहे होंगे, वो जनता से नहीं मिली, वो दूसरा, वो हैं भी थोड़ा मीडिया से, मीडिया कहें क्या उसको, लाइमलाइट में रहने वाले बंदे हैं, वो कहाँ आम बंदों के पास ऐसे पहुँचते। तो जो नेता होता है किसी भी जगह से, अगर जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसको हर एक घर का, हर एक आदमी का, नहीं तो वार्ड का पता होता है कि मेरे वार्ड में कौन बंदा एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। लोगों की नाराजगी तो थी कि किरण खेर ने कुछ किया नहीं। अरे, किरण खेर कर क्या सकती थी? सोचने वाली बात ही है, किरण खेर कर क्या सकती थी? इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे जो देश में है ना जी सर, माहौल वो जो बना है, जो 20-25 या 40 या 50 सीटें जो भाजपा की कम हुई हैं, वो उसका कारण जो रहा है मेरे ख्याल से, जो मोदी जी ने रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का, वो उसको या तो जनता समझ नहीं पाई, बेरोजगार का मतलब क्या होता है। हमारे हिंदुस्तान में रोजगार का मतलब होता है सीधे सीधे सरकारी नौकरी। पब्लिक को ये भी समझना होगा कि रोजगार का मतलब ये नहीं है सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, वो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। अब जहां तक, अच्छा, फिर उसमें पात्रता की बात भी आ जाती है। अब जैसे अयोध्या जो इंटरनेशनल एक टूरिस्ट हब की तरह डेवलप हो रहा है, तो उसमें बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, वहां पे फूड इंडस्ट्रीज का काम खुलने जा रहा है, लेकिन
पिछले बहुत से सालों में अब शायद सेट होने लग गया होगा योगी जी के आने के बाद, यूपी और बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। मैंने कई जो टीवी में न्यूज़ देखी है उसमें लोकल यूपी का युवा जो है खास करके अयोध्या का ये कहता मैंने देखा कि यहाँ पे जी होटल खुल गया, यहाँ रेस्टोरेंट खुल गया, लेकिन बाहर वाले को नौकरी दी जाती है। अरे भाई, जब आप सक्षम नहीं होगे, अगर आप फ्लुएंसी नहीं है आपकी उसमें, तो आप कैसे हैंडल करोगे? नंबर वन। नंबर टू, जो हिंदुस्तान का युवा है और इस देश का युवा है, उसको रोजगार का मतलब समझना होगा। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का कारखाना खुला नोएडा में, वहां पे तो रोजगार की संभावना ही है। अयोध्या में जो ये डेवलपमेंट हो रही है, वो भी रोजगार के साधन है। उसके बाद पिछले 10 सालों में जो कौशल विकास योजनाएं हैं, उसके बाद वो प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो हमारा अपना भी कुछ, जब तक हमें समझ नहीं थी कुछ सालों तक। मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में शायद रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे थे ही नहीं। चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ के लोकल अपने कुछ मुद्दे हैं जो बहुत बड़े हैं। तो चंडीगढ़ की जब भी लड़ाई होती है, चंडीगढ़ को जो कैंडिडेट यहाँ पे आता है, उसकी जो लड़ाई है, उसकी जो जीत और हार है, वो लोकल मुद्दों पे निर्भर करती है, लोकल मुद्दे हैं। देखिए राजेंद्र जी, ऐसा है, उन चीजों में हमें एक बात समझनी होगी, जो मेरा अपना जाति एक्सपीरियंस है, एक मतदाता, एक ग्राहक और एक बराती, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। नंबर टू, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किरण खेर की पब्लिक तक रीच नहीं थी। रीच होती तो लोग उनकी जान खाते, हो सकता वो एक आध मुद्दा ठीक था। चंडीगढ़ में बेशक डेवलपमेंट हुई है उनके वक्त, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे, जो अब तक भी मुद्दे हैं, अब लोगों ने 10 साल झेला है। लोगों को यह विश्वास था कि जो मोदी जी हैं वो चुटकी मार के हल कर देंगे। इसी तरह उनका यह विश्वास था किरण खेर है जो चुटकी मार के हल कर देती थी। मेरी जो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो मैंने भी उनसे पूछना चाहा, मैंने दोनों से पूछा, मनीष तिवारी जी से पूछा, मैंने संजय टंडन जी से पूछा, कि स्पष्ट सी बात मेरे को बताएं कि चंडीगढ़ का मतदाता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस सेंटर में थी, कांग्रेस की एमसी थी, और यहाँ पर जो हमारे प्रशासक हैं वो शिवराज पाटिल जी थे। सेम उसी स्थिति में 10 साल से बीजेपी थी, और यहाँ चंडीगढ़ से बीजेपी का सांसद था, और एमसी जो थी उसमें वर्चस्व बीजेपी का था, और ये बनवारी लाल जी ये गवर्नर थे। तो जब वो 40 साल में नहीं कर पाए, या 15 साल पवन कुमार बंसल जी रेगुलर नहीं कर पाए, तो और अपना किरण खेर जी ये नहीं कर पाई, तो आप ऐसा कौन सा एक पॉइंट है आप दोनों के पास जिस पे चंडीगढ़ का मतदाता आपके ऊपर विश्वास करे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, जैसा आपने पहले सवाल में मेरे से पूछा कि संशय बना हुआ था। सर, संशय तो सुबह से ही फर्स्ट राउंड से क्लियर हो गया था कि यहाँ से कांग्रेस सीट निकाले। अब आप मेरे से सवाल करेंगे कैसे? हाँ, बिल्कुल। और जहां तक आप बात कर रहे हैं हार जीत की, कल 4 जून की, कि संशय बना हुआ था संजय टंडन जी के बारे में, देखो मैं जो भी बात आपको आपसे बात कर रहा हूँ वो मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है और मेरा स्वयं का अंदाजा है। मैं किसी के बिहाफ पे नहीं आपको मैं बयान दे रहा कि पहले 2-3 राउंड में क्लियर हो गया था कि जब लगातार 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 मनीष तिवारी लीड ले रहा था, और इन बिटवीन उनके समर्थकों ने ग्रुप्स में ये जरूर डाला कि अब संजय टंडन जी आगे चल रही हैं, ये डाला जरूर, लेकिन उसका कोई प्रमाणिक तथ्य हमारे पास है नहीं, नहीं है, प्रमाण नहीं। बिल्कुल ठीक। वो लगातार लगातार जो है तिवारी जी आगे बढ़ रहे थे, हाँ डिफरेंस कई बार कम जरूर हो जाता था। हाँ, एक बार 10,000 वोटों का आ गया, 12,000 वोटों का आ गया, फिर 3,000 वोटों का आ गया, वो चलता रहा। अच्छा, उसके बाद जो शाम को प्रकरण हुआ कि री वोटिंग होनी चाहिए, ये हो जानी, तो मेरे ख्याल से वो गलत है सर। ग्रेसफुली हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सर देखो हार जो इस तरह की हार है वो मेरे ख्याल से वो हार नहीं है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है, और वो जो मार्जिन है, तो मैंने मेरे को आपसे आपने पहले भी मेरे से मुंह से सुना होगा कभी भी कि जो भाजपा की अगर अपनी वोट ना टूटे ना, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। ये जो 2500 या 3600 या 4000 हैं, ये भाजपा की अपनी वोट टूटी है, तो अपने बंदों ने हराया उन्होंने, क्योंकि
इतना वोट प्रतिशत कम होना तो हार नहीं होती मेरे हिसाब से। चलो हार तो देखो, हार हार, चाहे एक वोट से हो या 100 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, हार तो हार, एक के साथ साज सजता, एक के साथ ताज सजता है और एक को ये मानिए कि बाहर होना पड़ता है गेम से। तो राजेंद्र जी, उसमें ये बात भी है ना, अगर हम इसको क्लियरली स्पष्ट जनादेश तब कह सकते थे अगर ये वोट 10-15 हजार से ऊपर होता, इतनी तो नाराजगी। जैसे हम अगर परिवार में 4 मेंबर हैं, कोई हम सब्जी बनती घर में तो उसमें भी एक आदमी बोलता है कि मैंने नहीं खानी। तो आपके हिसाब से चंडीगढ़ की जो सीट है इस पे भारतीय जनता पार्टी की जो हार के कारण है वो कहीं ना कहीं कुछ सीनियर नेता जो हैं उनसे मिलना, उनको रूठे उनको ना मनाना, वो कहीं ना कहीं पीछे का रीजन रहा है? बिल्कुल है सर, आपने देखिए हर आदमी के अपने समर्थक होते हैं। अब जैसे आप, हम मैं मिसाल दे देकर बात करता हूँ हमेशा, आपके फैमिली में सपोज 4 या 5 बंदे हैं, मोहल्ले में आपके साथ किसी का मन मुटाव है, तो आपके बच्चे उस तरफ नहीं जाएंगे। तो जो अब चंडीगढ़ की कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, जो उनकी गुटबंदियां, उनके जो बड़े नेता हैं, उनका अपना अपना एक धड़ा है कि उस इलाके में उसके समर्थक हैं, उस इलाके में उसके समर्थक हैं, उस इलाके में उसके समर्थक हैं, तो इसमें सबको साथ लेके चलना चाहिए इस वक्त स्पेशली, और राजनीति के साथ कूटनीति से भी काम लेना चाहिए। भले ही आपके मन में कुछ भी हो, जाकर गले मिलो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि ये मेरी जीत नहीं, ये पार्टी की जीत है, ये आपकी जीत है। तो दूसरी तरफ आप अगर कांग्रेस की जीत की बात करते हैं, उससे आप कांग्रेस की जीत नहीं, आप इंडिया अलायंस की जीत या आम आदमी पार्टी के किए हुए जो एफर्ट्स हैं उनकी जीत मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो इसी को मानूंगा सर, ये मेरा स्वयं का आकलन है। देखिए राजेंद्र जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है, महत्वपूर्ण ये है कि चंडीगढ़ की जनता बार बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। इस वक्त चंडीगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है, मनीष तिवारी जी में जो अपना विश्वास जिताया है, हम ये आशा करते हैं कि वो इन गंभीर मुद्दों को जो पिछले सांसदों द्वारा नकारे गए हैं या अनदेखा किए गए हैं, चाहे सांसद बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, इनको हल करेंगे और चंडीगढ़ की जनता ने जो उनको अपना मत दिया है तो उसका हक वो अदा करेंगे। तो दोस्तों ये थे खुशविंदर सिंह धालीवाल। आज हमने चर्चा की कि चंडीगढ़ की जो सीट है उस पे भारतीय जनता पार्टी की हार के क्या कारण रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जीत के क्या कारण रहे हैं। सो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार। नमस्कार।